जुल्फकार अली भट्टो ने जब सुना कि जनाब दारुल एहसान के बानी सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुफ्त किताबें बांटते हैं, छुपवाते हैं और बड़ा निज़ाम चलाते हैं, ये वो फुलां फुलां, तो जुल्फकार अली भट्टो ने वहां पर जनाब अपने बंदे भेज दिए। उसने कहा चलो जनाब उनका ऑडिट करके आओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भेज दिए। सूफी साहब, ये सूफिया, ये औलिया, ये फकीर, ये अपने रंग में होते हैं। बादशाह फकीर हो जाते हैं, फकीर कयामत तक उसकी बादशाही कायम रहती है। बादशाहों की कब्रों के निशान जिनके अंबार सोने के होते हैं, ज़खायर होते हैं, मिट मिटा जाते हैं। फकीर सिर्फ अल्लाह की जात पर तवक्कुल करके बैठते हैं, कयामत तक उनके आस्थानों पर दुनिया आकर खाती रहती है और मुरादें पूरी होती रहती हैं। अब भट्टो साहब ने भेज दिए बंदे आए ऑडिट करने के लिए कि जनाब हमें आप अपना हिसाब किताब चेक करवाएं, आपके पास पैसे कहां से आते हैं, इतनी किताबें लिखते हैं, छुपवाते हैं, फिर इनको मुफ्त पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में तकसीम करते हैं, और ये आपका आंखों का कैंप और ये जनाब लंगर खाना, ये निजाम कहां से चलता है। तो सूफी साहब बड़े जलाली बंदे थे, जलाल में आया, जलाल में आए और यूं अपना हाथ जेब में, जो दो जेबें होती थी उनकी कफनी पहनी होती थी, यूं जेब में हाथ डालकर पैसे, यूं जेब में हाथ कर डालकर पैसे निकाले और जलाल में आकर फरमाने लगे हमारे तो दोनों हाथ हर वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेब मुबारक में होते हैं, हम तो जब चाहते हैं जितने चाहते हैं हम तो लेते ही वहां से हैं, हमें तो इनायत वहां से होते हैं। तवक्कल ये बड़ी चीज है। सुमस्तकामू और हुजूर सैयदी व मुर्शदी सैयद अली हजवेरी, दाता आपको क्यों कहा जाता है? दाता भाई, दाता जात तो अल्लाह की है, ये टाइटल तारीख ने आपको दिया है, आप इस नाम को पसंद नहीं फरमाते थे, ये तारीख ने अलेक्जेंडर को जैसे सिकंदर आजम का टाइटल दे दिया, ऐसे सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको ये दाता टाइटल तारीख ने दिया है। और इनके बारे में मनकूल ये है कि इनके पास जो कुछ होता था राह खुदा में लुटा दिया करते थे, दमड़ी भी अपने पास जमा नहीं रखते थे, एक दमड़ी भी रखते ही नहीं थे, लुटा दिया करते थे। तो आज भी देख ले वहां पर रश लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। और हुजूर सैयदी व मुर्शदी सैयदना गौसुल आजम रदी अल्लाह तआला को गौसुल आजम, याद रखिए गौस हर जमाने में एक होता है, ये 360 के करीब लोग होते हैं जो हम वक्त मौजूद होते हैं, इंशाल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे तफसील के साथ, जिनके जरिए से अल्लाह ताला कायनात का निजाम चलाता है। गौस हर जमाने में एक होता है मगर कयामत तक गौसुल आजम कोई नहीं हो सकता। इसकी वजह क्या है? आपका मामूल ये था बचपन से लेकर जवानी, बुढ़ापा और जाहरी विशाल मुबारक तक आपका मामूल यह था कि आपके पास जो कुछ भी आता था आप जनाब लुटा दिया करते राहे खुदा में। बचपन में यह मामूल था, आपकी वालदा आपके लिए खर्चा भेजा करती तो आप देखते मेरे मदरसे में ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके पास सर्दियों का मौसम है गर्म लिबास नहीं उसको लिबास ले दिया, जिसके पास बंद जूते नहीं है उसको जूते ले दिए, जिसके पास पगड़ी नहीं उसको पगड़ी ले दी। और फिर इनके बारे में मनकूल ये है, इनकी किताब गुनियत तालिबीन पढ़कर देखिए कि इनके लिए जो खाना आता ये कोशिश करते उसमें से एक पाव खाकर तीन बचाओ, तीन पाव बाकी जो था वो अपने साथियों में तकसीम फरमा दिया करते थे।